नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सोशल साइंस चैप्टर 1 एमपी बोर्ड या एनसीईआरटी कक्षा 10 का सोशल साइंस अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, संक्षेप में लिखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। नंबर एक है, जूसेपे मेजनी यूरोप में क्रांतिकारी विचारों को फैलाने में जूसेपे मेस्तनी के योगदान की व्याख्या कीजिए। नंबर खा है, काउंट कैमिलो दे काउर। नंबर तीन है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। नंबर चार है, फैंक कर्ट संसद। नंबर पाँच है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। इन पर हमको दोस्तों क्या करना है, टिप। हम नंबर एक देखेंगे दोस्तों, कद जूसेपे जूसेपे मेजनी इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया और जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला। इटली के इस क्रांतिकारी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। उसने 1848 ईस्वी में रोम पहुंचकर वहां के पोप से पेपल राज्य को स्वतंत्र कराया। उसके इस कार्य से पूरे यूरोप के सभी राज्यों को धर्म के प्रभुत्व से स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहन मिली। ठीक है दोस्तों, नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नंबर खा, काउंट कैमिलो दे काउर इटली के एकीकरण का वास्तविक श्रेय काउर को ही जाता है। काउर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। 1852 ईस्वी में वह सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना तथा इटली के एकीकरण के कार्य में जुड़ गया। उसने अपनी कूटनीतिक चालों द्वारा इस कार्य को पूर्ण किया। उसने कई युद्धों में भाग लेकर इटली के राज्यों को सार्डिनिया के साथ मिलने का अवसर प्रदान किया। इतावली अभिजात वर्ग के सभी अमीर और शिक्षित सदस्यों की भांति वह फ्रेंच भाषा और इतावली भाषा में भी बढ़िया बोलता था। उसने 1860 में दक्षिण इटली और दो सिलियो को जीतने में जूसेपे गैरिबाल्डी का साथ लिया। उसकी मृत्यु के समय रोम वेनेशिया के राज्यों को छोड़कर इटली के एकीकरण का काम पूरा हो चुका था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध एक ऐसी घटना जिसने पूरे यूरोप के समाज में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की। यह यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के नाम से जानी जाती है। इस युद्ध का आरंभ 1821 ईस्वी में हुआ। इस घटना का वर्णन इतिहास के उन महत्वपूर्ण घटनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 15वीं शताब्दी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का ही एक भाग था। कवियों और महान कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर देश की प्रशंसा की और उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ यूनान के संघर्ष के लिए जनमत भी इकट्ठा किया। 1824 में एक लॉर्ड बायरन नाम के अंग्रेज कवि जिन्होंने धन इकट्ठा किया, यहाँ तक कि पूरे बल और साहस के साथ युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हो गए और युद्ध भी लड़ा, परंतु अंत में तेज बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अंत में
आखिरकार 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र नियुक्त किया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट संसद ने 1848 ईस्वी में जब यूरोप में एक क्रांति की लहर उठी तो जर्मन इलाकों में भी बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया। नंबर दो, 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। नंबर तीन है, उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया और राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के सामने ताज पहनने की पेशकश रखी। फ्रेडरिक ने ऑस्ट्रिया के डर के कारण यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अंत में सेना को बुलाया गया और असेंबली भंग हो गई। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण का यह प्रयास असफल रहा। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। नंबर एक है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नंबर दो, राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्यों जैसे फ्रांस इटली की महिलाओं ने सक्रिय भाग लिया। नंबर तीन है, महिलाओं ने अपने अनेक राजनीतिक संगठनों की उत्पत्ति की। नंबर चार, इन्होंने खुद के समाचार पत्र शुरू किए। नंबर पाँच है, नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। नंबर छः है, महिलाओं ने अधिक मात्रा में प्रदर्शनों और राजनीतिक बैठकों में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए तीन उदाहरण दें। तो उत्तर देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस बात के निम्नलिखित उदाहरण हैं। नंबर एक, लोक संस्कृति, जर्मन दार्शनिक योहाना गार्टफील्ड हर्डर का यह मानना था कि एक सच्ची जर्मन संस्कृति उसकी समान जनता में शामिल थी। एक राष्ट्र की सच्ची और अच्छी आत्मा लोक नृत्य, लोक काव्य, लोक गीतों में विद्यमान होती है। इसलिए राष्ट्र निर्माण परियोजना के लिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना आवश्यक था। नंबर दो, भाषा, रूस के अधिकार के बाद सभी स्कूलों में बलपूर्वक पोलिश भाषा के स्थान पर रूसी भाषा को लागू किया गया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के रूप में देखी जाने लगी। पोलिश भाषा का उपयोग धार्मिक शिक्षा चर्च के आयोजनों में हुआ। इस तरह राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर तीन है, संगीत, पोलैंड एक स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था लेकिन फिर भी भाषा और संगीत के बल पर राष्ट्रीय भावना को उत्पन्न किया गया, जिसके फलस्वरूप केरोल कुर्पिस्की नामक एक नागरिक ने पोलिश राष्ट्र संघर्ष का अपने ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनेस व माजूर का जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री है किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुआ। दोस्तों हम देखेंगे उत्तर, 19वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक देशों में राष्ट्रीयता की भावनाएं पनपने लगी और देखते ही देखते वहां अनेक राष्ट्रों का निर्माण
हुआ। ऐसे दो देश जहाँ राष्ट्रीयता का विकास हुआ, इंग्लैंड और पोलैंड। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड में एक जाति समूह अंग्रेजों ने ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण करने के लिए अन्य समूहों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी आंग्ल संस्कृति, प्रतीक चिन्हों, राष्ट्रगान आदि का बहुत प्रचार प्रसार किया। नंबर दो, पोलैंड। वियना की कांग्रेस द्वारा पोलैंड का बहुत बड़ा भाग रूस को दिए जाने पर पोलैंड के लोगों के दिलों में अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना जगने लगी, जिसके कारण 1848 ईस्वी में पोलैंड में वारसा के स्थान पर इसके खिलाफ क्रांति आरंभ हुई। विद्रोहियों को यह आशा थी कि उन्हें पश्चिमी यूरोपीय देशों की सहायता प्राप्त होगी, परंतु रूस से दुश्मनी लेने को कोई तैयार न था, जिसके कारण रूसी सेना ने विद्रोहियों को सरलता से दबा दिया। नंबर प्रश्न नंबर चार देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर चार है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। तो दोस्तों हम देखेंगे इस बात में कोई उत्तर देखेंगे इस बात में कोई संदेह नहीं कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के विकास का इतिहास बाकी यूरोप से काफ़ी भिन्न था। ब्रिटेन में राष्ट्रीयता का आंदोलन किसी भी राजनीतिक उथल पुथल या क्रांतियों से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसमें ब्रिटेन के संसद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंग्लैंड को एक राज्य बनाने में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम या फैसले। तो दोस्तों हम देखेंगे, नंबर एक देखेंगे, 1688 ईस्वी में संसद ने राजा से सत्ता अपने हाथों में ले ली। 1688 ईस्वी में संसद ने राजा से सत्ता अपने हाथों में ले ली। नंबर दो, 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य होने वाला एक्ट ऑफ यूनियन समझौता। नंबर तीन है, 1801 ईस्वी में ब्रिटेन और आयरलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम में बदल गए, जिससे कि इंग्लैंड और भी शक्तिशाली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर चार पाँच है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। ठीक है दोस्तों, उत्तर, काला सागर और एट्रियाटिक सागर के मध्य रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया आदि के राज्य बाल्कन राज्यों के नाम से जाने जाते थे। इन प्रदेशों में राष्ट्रीय तनाव 1875 के पश्चात पैदा हुए, जिसके कारण निम्नलिखित थे। नंबर एक है, बाल्कन यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का मुख्य स्रोत था, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, जिनमें प्रायः टकराव होते रहते थे। नंबर दो है, फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन की युद्धों ने बाल्कन राज्यों के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, जिसके कारण वह लोग भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगे। नंबर तीन है, बाल्कन के लोगों ने अपने इतिहास से यह सिद्ध किया कि वह पहले आज़ाद थे और बाहरी ताकतों ने उनको अपना गुलाम बनाया। यह जानकर वहाँ के लोगों में आज़ादी के प्रति खोया हुआ मनोबल फिर से जाग उठा। नंबर चार देखेंगे, बाल्कन में यूरोप के देश अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे, जिसके कारण वहाँ की समस्या और भी उलझनपूर्ण हो गई। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके।